ये टॉपिक्स हैं जैसे आरटी उत्तराखंड, एजुकेशनल प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनोवेशंस एंड लीडरशिप्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एज फैसिलिटेटर्स, रोल ऑफ डेटा इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें उत्तराखंड के का केस है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं आया, आपकी आपको भी बोलना है। मैं समाप्त करने से पहले, आज के हाईलाइट समाप्त करने से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय, आपके प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में कुछ समय गुजारने का मौका मिला है। मैं एक 20 स्टेट्स के अधिकारियों को लेकर आई थी एक महीना पहले, डेढ़ महीना। मैंने पाया एक अजीब सा पीस, एक शांति है, एक संतुष्टि का एटमॉस्फेयर है समस्त डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सभी प्रगत कार्य कर रहे हैं। और से बात हो जो उन्होंने ट्रेनिंग के अंत में एक डिप्लोमा देने की व्यवस्था करने की बात उनसे हुई है, क्योंकि जब ट्रेनिंग पा रहा है कोई आदमी तो उस ट्रेनिंग को एक नाम भी दे दीजिए, ताकि वो आप एक डिप्लोमा लेके निकले और फिर उसके बाद आपके उसमें जाए इस ट्रेनिंग इस डिप्लोमा की, क्योंकि हम लोग पिछले 30-35 वर्षों से डिप्लोमा देते आ रहे हैं। इस सर इतना इतनी ट्रेनिंग के बारे में इतनी कुछ बातचीत चल रही है यहाँ पे। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है देश में, उन्हीं की लाइंस पर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर कुछ अधिकारीगण कुछ ना कुछ नवाचार करते रहते हैं। हम टीचर्स के नवाचार को तो बहुत बात करते हैं, बट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के नवाचार को इतना पहचानते नहीं। ऐसे नवाचारों को अख्तर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ट्रेनिंग का जो मामला है, अधिकारी बन गए लेकिन अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कब किया जाए और कितना किया जाए, इसको एक दिशा देने का जो काम किया, मैं नजमा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं तिवारी जी की गवर्नमेंट में भी रहा मिनिस्टर, और मैंने देखा कि तिवारी जी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जानकारी रखते थे, लेकिन समय का अभाव था। शिक्षा के हमारे किसी भी फंक्शन में आपने कभी भी ना नहीं, और आने की जो सहमति थी छोटे से फंक्शन से लेकर के प्रदेश स्तर के फंक्शन तक, जो आप अपनी सहमति और अपना आशीर्वचन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आते हैं, इसके लिए मैं आपको अपने विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, चिराग रहें और इस प्रदेश को इसका श्रेय पूरे आप लोगों को जाता है, हमारे अधिकारियों को जाता है, हमारे उन टीचर्स को जाता है जिनकी बदौलत आज हमारा शिक्षा विभाग एक ऐसे ट्रैक पे आया है जिस ट्रैक पे आने की संभावना बहुत कम दिख रही थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद रहा, और अधिकारियों को हमारे चाहे अपर मुख्य सचिव हों, चाहे हमारे सचिव हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे हमारे डीओज हों, बीओज हों, डीटी बीओज हों, सीओज हों, जो निदेशालय में संबंधित जो भी हमारे सीमेंट से लेकर के और तमाम सर्वशिक्षा अभियान और जितने भी हमारे टीम्स हैं, सबको इस बात का श्रेय जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके माध्यम से मैं आपके संज्ञान में ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शिक्षा को केवल हम पढ़ाने तक के लिए हम अगर चलाएंगे तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये
सार्थकता नहीं होगी। हम अपने प्रदेश के एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं जिसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग बहुत जरूरी है। हमें ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिवली जो स्टैंड लिया उसमें आपका आशीर्वाद रहा हमारे स्टेट की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी कैब की बैठक हुई दिल्ली में उसमें हमारी स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी को सराहा गया और ये कहा गया कि पहला स्टेट उत्तराखंड है जिसमें कि स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी को बिल्कुल पारदर्शिता से लागू किया गया और ये तब हो पाया जब आपका आशीर्वाद रहा। आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ विंग्स हमारी ऐसी हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली जिनके लिए कि उनका यहाँ पे स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। न्यूपा हमारे बीच में है। मैं नर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ सीमेंट है इस सीमेंट को आप एडॉप्ट करिए एज ए यहाँ पे पूरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में। हम पूरा सहयोग करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज सामने हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ताकि इस स्टेट में हमारे स्टेट में अन्य स्टेटों के लोग भी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आए और देख करके जाएं कि क्या उत्तराखंड में हो रहा है, क्या हो सकता है। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। दूसरा, जो आप सब अधिकारीगण हैं, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, जैसे हमारे लालू साहब ने अभी कुछ समय पहले अपना वक्तव्य दिया कि अभी बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनको कि दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर घर का गार्जियन अगर चुस्त दुरुस्त नहीं है या अलर्ट नहीं है तो वो घर सही तरीके से नहीं चल सकता। इसलिए आप लोग जो ब्लॉक लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, मंडल लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, आप सबसे हमारी ये कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक लैकुना ऐसा आया जिस लैकुना की वजह से हम सबको थोड़ा कहीं ना कहीं उस बात को हमें झुकना पड़ा और वो ये आया कि जो उसमें दूरी के हिसाब से जो बातें आई कई जगह गलत ढंग से जो है उसको आंका गया, जिसको कहते हैं कि आपके जो हमने दूरी का एक सिस्टम बनाया था उसमें जो दिक्कतें आई हैं उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। और ये फॉल्ट ब्लॉक लेवल से हुआ है, इसलिए जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि सारी बातें नीचे से चल के आती हैं तो उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छी बात न्यूपर के माध्यम से आई है और आपका आशीर्वाद आज मिलेगा उस चीज़ को। और जो नंदा जी ने कहा है कि स्टेट एजुकेशन ट्रेनिंग पॉलिसी ये निश्चित तौर से हमारे स्टेट की होनी चाहिए ताकि, और हम इसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम अपनी स्टेट की ऐसी पॉलिसी बनाएं एजुकेशन ट्रेनिंग की कि हमारे यहाँ के टीचर अन्य स्टेटों में की डिमांड हो कि उत्तराखंड के टीचर रहें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग पॉलिसी अगर हमने बना दी माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन तमाम लड़कों को जैसे नर्सेस की डिमांड होती है ऐसे हमारे यहाँ के जो ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो जिन्होंने ट्रेनिंग की होगी वो पूरे देश में हमारे लड़कों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक ऐसा कार्य होगा आपके नेतृत्व में जो कि इतिहास कायम करेगा। और इसके लिए हम चाहेंगे कि न्यूपा के स्तर से जो भी हमको सहयोग देने की बात होगी आप जरूर देंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरा, यहाँ पर जो सेंटर की बात रीजनल सेंटर की थी, आप जरूर हमारा सीमेंट यहाँ पे है, आप इसको एज ए रीजनल सेंटर जो है इसको आप अडॉप्ट करिए ताकि अन्य स्टेटों के लोग भी जो हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आएँ और हमारे स्टेट को एक ऐसा दर्जा दें जो कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर टाइप का हमारा स्टेट माना जाए, ये हमारा मानना है। मैं अधिक समय न लेते हुए, मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है और अभी और प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी
जो उन्नति प्रोग्राम हमने शुरू किया था आप ही के दिशा निर्देशन में, उस प्रोग्राम को भी हम अगर स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे प्रदेश में एजुकेशनली एक अच्छा स्टैंडर्ड कायम होगा और टीचर्स ट्रेनिंग के हिसाब से भी जो हमारी स्थिति है वो समय थोड़ा कम है आपके पास, लेकिन हम बताना चाहते थे कि इतने हमारे टीचर्स के ट्रेनिंग के हिसाब से हमने क्या प्रगति की है। और विशेषकर मैं डिप्टी एवियोस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पहला लेक्चर था मेरा आपके बीच में, जो मैंने आपके ट्रेनिंग के समापन पे कहा था, उसको आपने जो है पूरे स्टेट में अपनी छाप बनाई है हमारे जिले में, उसको मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़ी उम्मीद करता हूँ आपको, बहुत उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टेट ऐसा स्टेट न बने कि केवल हम लोग खाना पूर्ति करें और उसके बाद चलते बने, हमारा स्टेट ऐसा स्टेट बने आप सबके सहयोग से कि जो पूरे देश के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी हमारे स्टेट में ट्रेनिंग देने के लिए आए, तभी हमारी और आपकी इस जीवन की सार्थकता का महत्व हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एस राजीव साहब, संजय पांडे, रंजना वर्मा जी, डी के पंडा जी, मोना सेजवाल जी, निदेशक एक इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किया, वही ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के साथ। और मेरा मानना है कि एजुकेशन और एग्रीकल्चर में सर्वाधिक महत्व ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। यदि हम वास्तविक अर्थों में परफॉर्म करना चाहते हैं, या नीचे से पैदा होते हैं, धरती से पैदा होते हैं, परपोलेट नहीं करते, और यदि हम वहां ठीक ठाक देख रेख करें तो बहुत कुछ हद तक आज जो चुनौतियां हमको खड़ी दिखाई दे रही हम उनका समाधान ढूंढ सकते। सीमेंट और यूपा यदि मिल करके इस काम को अपने हाथ में लें तो काम बहुत सरल हो सकता। मैं नहीं जानता कि यूपा का क्या पूरा मैंडेट क्या है और सीमेंट के साथ कितनी एकरूपता है दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिनर्जी कायम किया और जो सिनर्जी बेस आउटकम होता है वो हमेशा बेहतर होता है और इनकरेजिंग होता है। हमारी चिंता उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर के कुछ ज्यादा इसलिए भी है कि हमारे पास अपने राज्य की तरक्की का जो एक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज टाइप दिखाई देता है जिसमें संभावनाएं बहुत है और जो मीटर गेज टाइप है एग्रीकल्चर में मैं कितना ही इन्वेस्ट करूं, मैं इंडस्ट्री में कितना ही इन्वेस्ट करूं, मगर मेरी जो गाड़ी है वो मीटर गेज पे ही चलेगी। मगर एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें जितना इन्वेस्ट करूं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकूं, तो मेरी गाड़ी जो तरक्की की रेल है वो ब्रॉड गेज पर चलेगी और फास्टर हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ केवल हम शिक्षकों से ही अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ समाज से भी अपेक्षा कर रहे हैं। और मैंने अपने सब पॉलिटिकल लीडर्स से भी कहा है कि आपकी बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा शैक्षिक उन्नयन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना होना चाहिए। यदि हम शिक्षा को केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ पर छोड़ दें
या शिक्षकों तक छोड़ देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। शिक्षा को इन बाधाओं की एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत है जिसमें ये फ्लोरिश कर सके। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अभियान चले और फिर जब हम आरटीए लेकर के आए तो वो तो एक प्रकार से बहुत बड़ा कदम था, मगर हम गुणवत्ता कैसे लाएं, कॉम्पिटिटिवनेस कैसे पैदा करें, एजुकेशन को हम प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से उत्कृष्ट कैसे बनाने की कोशिश करें, ये हमारे राज्य के अंदर एक चिंता का विषय होना चाहिए। उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट, बल्कि सबसे जो निचला स्तर है हमारा, वहाँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है। हमने अपने राज्य में, मैं न्यूज़ लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा शिक्षा में निवेश, यदि परसेंटेज ऑफ टोटल बजट या जीडीपी जिस हिसाब से देखें, उत्तराखंड है, हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, जबकि दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्र, हम एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन दोनों में, बल्कि आज टेक्निकल एजुकेशन में तो हमारी स्थिति यह है कि 20,000 लगभग 18 से 20,000 की आबादी के पीछे हमारा एक टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें आईटीआई से लेकर के ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज तक कम्प्लीट। मगर इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट का हमारी अपनी क्षमता के अनुसार जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका जो आउटकम है, उसमें परसेंटेज वाइज एक कॉन्स्टेंट डिक्लाइन दिखाई दे, मैं उससे चिंतित हूं। यदि ठहराव भी होता तो शायद मेरी चिंता नहीं, मेरी चिंता है कि इसमें जो कॉन्स्टेंट डिक्लाइन है, एक गिरावट जो आ रही है, इसको कैसे रोका जाए। इस पर शिक्षा मंत्री जी से लेकर के हम सब की चिंता होनी चाहिए, हम सबके माथे पर इसको लेकर के बल पड़ने चाहिए, क्योंकि इसके साथ इस छोटे राज्य का भविष्य निर्भर है। हम यदि एक खुशहाल राज्य होना तो हमारे बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा को प्रतियोगितात्मक बनाएं, इसमें वो मेरिट लाएं जिस मेरिट के आधार पर अभी मंत्री प्रसाद जी ने एक सुझाव दिया, और मैं समझता हूँ उनका जो सुझाव है वो वर्थ कंसीडरेशन है, मैं उस पर जरूर विचार करूँगा। बल्कि मैं एक कदम आगे चल करके यदि इसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया जाए तो इस पर विचार कर सकता हूँ कि अगले साल मैं अपने राज्य के लोगों से कहूँ कि हम जितनी गवर्नमेंटल वर्क्स कर रहे हैं, जितनी योजनाएं गवर्नमेंटल बना रहे हैं, उन पर हम एजुकेशन के लिए 0.5% का 1% का सेस रेज कर दें, ताकि आपको बहुत कुछ जो है डिपार्टमेंटल जो बजट है उस पर निर्भर न रहे। मैं उस पर भी विचार कर तभी फलदायी हो सकती है जब हमारे पास एक वेल थॉट प्लान हो, एक रूट मैप हो। इस समय हम प्रयोग बहुत सारे कर रहे हैं, पांडे जी ने कुछ प्रयोगों का यहाँ पे जिक्र किया, हमने उन्नति का जो हमारा कदम है मैं उसे प्रभावित हूँ, लेकिन कोई भी प्रभाव प्रारंभिक चरण में उसका आकलन नहीं हो सकता, उसका आकलन 1-2-3 साल के बाद किस तरीके से उसका आउटपुट आ रहा है उसके आधार पर। और मैं तो चाहूँगा कि हम इस क्षेत्र के अंदर यदि इस बात की
कोशिश करें कि किस तरीके से हम अपनी अभी काम में सीनेट भी मदद कर सकता है। हमें हमारे पास हम जब किसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक हमने कोशिश की कि भाई बच्चा पढ़ते हुए कुछ ऐसी तकनीक सीख ले, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। एक गणित के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, गणित आदि उसमें कुछ हमने एक एनजीओ को किया है, मगर हम किस तरीके से उसका रीओरिएंटेशन का क्या प्रोग्राम है, हम किस तरीके से उसकी क्षमता की आखिर क्षमता की पहचान तो होनी चाहिए, हम किस स्तर पर कर रहे हैं, किन लोगों पर कर रहे हैं, उसकी क्षमता की पहचान हम कैसे कर रहे हैं। सीमेंट में मैं मुझे मालूम नहीं कि सीमेंट के अंदर इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है या नहीं है जहां हम रीओरिएंटेशन क्षमता पहचान और उसकी अभिवृद्धि के लिए, काउंसिलिंग के लिए और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम जो बहुत जरूरी है और जो बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट फॉलो, ये कंपोनेंट मैं समझता हूँ होने चाहिए सीमेंट के अंदर। लेकिन यदि मान लिया हम डेवलप नहीं कर पाए हैं तो हमको इन ड्यू कोर्स में इनको डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इन तो हम किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में लॉन्च हुए, मैं जब करीब 12-13 साल जब हम पार्लियामेंट में था तो उस समय भी, और फिर ये जब मैं दूसरी बार 10-12 साल के लिए गया वहाँ तो तब भी हमने देखा कि कई तरीके के प्रोजेक्ट अलग अलग टाइम पर लॉन्च हुए, मगर उन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जो इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग का, फॉलो अप का, इवेल्युएशन का, काउंसलिंग का और दूसरी चीज़ों का, इनका अभाव रहा। तो सीनेट में क्या है, क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन यदि न्यूपा और सीमेंट बैठ करके इस तरीके का कुछ विचार कर सके, इसको तैयार करने का काम कर सके तो बहुत अच्छा है। एक सुझाव मेरा है, आप करते भी होंगे इस पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीओज और सीआरसी बीआरसी दूसरे लोग हैं, इनकी भी कॉन्स्टेंस हर तीसरे महीने चौथे, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी नई बातें हो रही है, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, इनकी भी हर 3 महीने या 6 महीने के बाद एक रीओरिएंटेशन होना बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ यहाँ होगा, यदि नहीं है तो हमको इसको बिल्ड करना चाहिए ताकि हमारी ये जो ग्रासरूट एडमिनिस्ट्रेटर है एजुकेशन के, ये एक एक ऐसे लाइट हाउस का काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से ये अपने हेडमास्टर्स को, टीचर्स को उन परिवर्तनों की जानकारी देने का काम कर सके। हम इनको आप क्या, हमने इनका मैंडेट रखा है भगवान जाने, लेकिन जो आभास जाता है आज के दिन वो आभास ही जाता है कि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका काम ट्रेनिंग, जिनका काम ट्रांसफर्स को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बढ़ करके किसी के हाजिरी लगी या नहीं लगी। ये एजुकेशनल सिस्टम को जिस स्तर पर ये नियुक्त किए गए हैं उस स्तर पर उसके कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन में, उसके डेवलपमेंट में इनका क्या योगदान होना चाहिए, उसको क्वांटिफाई करना, उसको आउटलाइन करना मेरा मत है वो बहुत आवश्यक। एक बीओ की जिम्मेदारी केवल ये नहीं होनी चाहिए कि ब्लॉक के अंदर केवल टीचर्स कहाँ हैं, नहीं आए हैं या आए, इनकी जिम्मेदारी इससे आगे बढ़ कर के होनी चाहिए कि उस एरिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या आज की नीति के अनुसार वो ठीक तरीके से इवॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें
क्या क्या कमियां आ रही हैं, ताकि अपने हायर अप्स के साथ बैठ करके उन कमियों को दूर करने का मैकेनिज्म निकालने का काम कर सकें। और ऐसा लगना चाहिए एजुकेशन सिस्टम एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारी समितियाँ बना रखी हैं, डिजिटल एजुकेशन समिति है, मैं क्या क्या अभी नाम याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या कमेटियाँ हमारी हैं। इसमें आपने पंचायत शिक्षा ग्राम शिक्षा समिति भी बनाई है, पीटीए बनाए, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन हैं, एस एम ई वो हैं। लेकिन ये इनके साथ हमारा संबंध क्या है? मैं अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाया कि इनके बीच में सिनर्जी बन नहीं रही है, नहीं बन रही। यदि यदि जितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं इनके बीच में और हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बीच में और स्कूल्स के बीच में एक सिनर्जी कायम हो जाए, एक मतता कायम हो जाए, तो बहुत कुछ हद तक हमारा काम हल्का हो जाए। यदि हरीश रावत की बजाय या मंत्री प्रसाद मेहरानी के बजाय ये समितियां लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि भाई बच्चा स्कूल से पढ़ करके आ रहा है तो भाई 7 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठो ना, उसे स्कूल की बात करो, उसके टीचर्स की बात करो, उसके कोर्स की बात करो, ताकि बच्चा आपको इम्पोर्टेंट भी समझे और साथ साथ बच्चे की जो काउंसिलिंग है वो घर पर भी स्टार्ट हो सके। अपने गांव के अंदर हम शैक्षिक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे बड़ी संख्या में रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड और बहुत सारे लोग हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बड़े जानकार लोग हैं, हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो एक प्रकार से जो हमारी ग्रामीण इंटेलेक्चुअल्स का ब्लॉक है वो पूरे का पूरा ब्लॉक हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमने बाहर रखा हुआ है। यदि जो हमारी सोसाइटी का सबसे इनलाइटेंड ग्रुप है यदि उस ग्रुप को हम शिक्षा के साथ जोड़ नहीं रहे तो हम गलती कर रहे हैं। हम यदि ये मान करके चल रहे हैं कि इन आइसोलेशन में हम शिक्षा को बिल्ड कर लेंगे तो वो हमारी गलती है। यदि हम उसके साथ सोसाइटी को जोड़ते हैं, हम अपने जिन लोगों का जिन वर्गों का मैंने जिक्र किया उन वर्गों को किसी तरीके से इन्वॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम ईजाद करते हैं और हम अपने राज्य में संस्कृति राज्य हैं, हम इस सिस्टम को अपने तरीके से कर सकते हैं इन्वॉल्व। और मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा कि इस पर जरूर बातचीत करें। आपने यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया और आज भी मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी एजुकेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी हम आउटलाइन करने के लिए तैयार हैं और आप बैठिए, टेक्निकल एजुकेशन के लोग बैठें और बैठ करके आप वर्कआउट करवाइए। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं उसका भी रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल वो ड्रॉप आउट स्कूल की जिम्मेदारी भले ही ना हो लेकिन सोसाइटी की जिम्मेदारी तो है। और यदि हम उनको किसी तरीके की छोटी मोटी वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं तो वो हम उनको दे करके हम सोसाइटी का बड़ा काम हल्का कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास जबल स्कूल्स है, दूसरी संस्थाएं हैं, हमारे पास ट्रेनिंग देने वाले, हम केवल मॉड्यूल्स बनाने की जरूरत है, छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं उनको हम कायम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन बातों को लेकर के जो हमारी चिंता है, चिंता ज़्यादा है मगर चिंता बड़ी नहीं, ज्यादा मतलब हॉरिजॉन्टली बहुत है लेकिन वॉल्यूम वाइज हम ये समझेंगे ऐसा पहाड़ है जिसको नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं, ये इसको हम सब मिल करके उठा सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा पूरा सहयोग जिसमें मॉनिटरी सहयोग भी है, पॉलिसी सहयोग भी है और एक कंपेनर का भी सहयोग। मैं तो आजकल आप लोगों से किसी ने मेरे
बात को सुना होती थी पब्लिक मंचों पर, इधर उधर जब मैं पब्लिक स्पीच करता हूँ तो मैं आजकल राजनीति की बात नहीं करता, मैं लोगों से शिक्षा की बात करता हूँ। और उसमें ये नहीं कहता कि हमारे शिक्षक में ये कमी है या हमारे हमारे अधिकारियों में ये कमी है, उसको उसको मैंने अपने तक सीमित रखा है। और उसको तो मैं जब आपसे बातचीत करता हूँ तभी कहता हूँ, वहां तो मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो। जिस समय हम लोग पढ़े उस समय गांव के अंदर एक बच्चे को पढ़ाना गांव अपनी जिम्मेदारी समझता था। हमारे गांव के अंदर यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लाता था तो उसको गांव के दूसरे लोग भी अपने घर से दूध ला करके देते थे, क्योंकि गांव में समझा जाता था यदि दूध और घी दे दो तो बच्चे की बुद्धि बढ़ जाएगी, तो उस बच्चे की बुद्धि को बढ़ाने के लिए पूरा गांव अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता था। आज सोशल कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, आज तो माँ बाप का कंट्रीब्यूशन भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। वो या तो मोबाइल एप्लीकेशन में लगे रहते हैं, जब से मोबाइल में कई तरीके के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए या तो इसमें लगे रहते हैं, और जो टाइम इससे बचता है तो उसमें जो है वो क्या कपूर है, एकता कपूर के जो है सीरियल देखने में लगे रहते हैं। तो बच्चे जो भविष्य का सीरियल है वो गड़बड़ा जा रहा है, तो हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि लोग उस सीरियल को मत गड़बड़ाओ, उस पर भी आप तवज्जो देने का काम करो। मगर कुल मिला करके उस इस सारी चीज के आप फैसिलिटेटर हैं, हमको ये